हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ नोएडा लोकेशन में, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेके जिसमें वॉक इन चल रहे हैं। आप डायरेक्टली जा सकते हो वहाँ पे, अपना इंटरव्यू जो स्केड्यूल करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ हायरिंग्स में एचआर के नंबर्स भी दूंगा। तो जो पहली हायरिंग आई हुई है वो आई हुई है INS Azure की, दूसरी टेक महिंद्रा की, तीसरा आपके लिए सरप्राइज़ है। एंड JD पे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है और मैं हमेशा आता हूँ हमेशा लेटेस्ट जॉब अपडेट्स को लेके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। पहली जो जॉब ओपनिंग्स है वो आई हुई है INS Azure की तरफ से, जिसमें अगर आप फ्रेश हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रेंज इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, 1.5 लाख एनुअल से लेके 4.5 लाख एनुअली इसका जो है सैलरी रेंज रहने वाला है। कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड प्रोसेस है CCE का, और कॉलिंग प्रोफाइल भी रहेगी ये। इसमें जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस है, इसमें बेसिकली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी वो ये रहेंगी कि आपको जो है कंप्लेंट सॉल्व करनी होगी वाया कॉल, एंड साथ ही साथ आपको जो है कस्टमर क्वेरीज पे जो है वर्क करना होगा एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन देना होगा थ्रू प्रोफेशनल सपोर्ट। अब अगर मैं जॉब रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो इसमें जो है आपकी इंग्लिश पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, 24/7 जो है वर्किंग इन्वायरमेंट है, प्लस फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 6 डेज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो है वर्किंग रहने वाला है इस प्रोसेस में। मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई, कैंडिडेट्स फ्रॉम दिल्ली NCR नोएडा कैन अप्लाई। सो अगर आप दिल्ली NCR में हैं या फिर नोएडा में हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रेंज जो इसमें रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 18,000 से 40,000 CTC मंथली। अब एड्रेस जो है वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक पे, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं। वॉक इन चल रहा है तो आप जाकर वहाँ पे दे सकते हैं। आपके जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो है HR शर्मा जी, उनका भी जो नंबर है वो लिंक में जो है आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट INS Azure हायरिंग। अब जो दूसरी हायरिंग आई हुई वो भी डायरेक्ट वॉक इन की है टेक महिंद्रा की वॉइस प्रोसेस के लिए। इसमें जो है ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई। सैलरी रेंज इसमें रहने वाली है अप टू 2.25 लाख एनुअली। अब अगर इसमें टाइम एंड वेन्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू चलने वाले 24th of May से 27th of May तक, 9:30 से 5:30, 9:30 AM से लेके 5:30 PM तक जो है इनका टाइम रहने वाला है। कॉन्टैक्ट पर्सन है जो वो शिल्पी जी रहेंगी, नंबर भी उनका गिवन है, वो भी आप लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो है बेसिकली डेजिग्नेशन आपका रहने वाला है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का, और इमीडिएट ज्वाइनर्स रहेंगे यहाँ पे। अब जॉब क्राइटेरिया में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही अप्लाई करें, फ्रेशर एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई। आपके इंग्लिश स्किल्स जो है वो इंग्लिश में अच्छी, इंग्लिश जो स्किल्स हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, माफ़ कीजिएगा थोड़ा फंबल हो गया, और कस्टमर हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, एंड साथ साथ आप कंफर्टेबल होने चाहिए 24/7 वर्किंग एनवायरनमेंट या फिर शिफ्ट से लेके। वन साइड कैब अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी ऑड आवर्स में ही। इसमें अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो आपको जो है बेसिकली कस्टमर क्वारीज पे काम करना होगा थ्रू कॉल, एंड साथ ही साथ इसमें जो है एंड टू एंड आपको रिजोल्यूशन देना होगा कस्टमर को। इंटरेस्टेड है इसमें वो अपने रिज्यूमे पे टॉप पे जो है HR का नाम लिखना, नाम बोले शिल्पी जो है आपको मेंशन करना होगा रिज्यूमे पे फॉर दी रेफरेंस, एंड जॉब लोकेशंस पे गिवन है। एंड अगर आप चाहें तो जो रिज्यूमे अपना शेयर कर सकते हैं शिल्पी जी को, का जो नंबर है वो ऑलरेडी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस ऑल अबाउट टेक महिंद्रा हायरिंग। अब जो आखिरी हायरिंग है मैं उसकी बात करता हूँ, वो इन्फोएज की तरफ से आई हुई है, काफ़ी अच्छी ओपनिंग है जिसमें जो है अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रेंज इसमें रहने वाली 3.5 लाख एनुअली की, और इसमें जो मस्ट स्किल्स मांगे गए वो क्लाइंट हैंडलिंग, कस्टमर सर्विस, इनबाउंड प्रोसेस, कस्टमर सपोर्ट और ब्रांडेड प्रोसेस जैसी चीज़ें हैं इसमें शामिल। अब टाइम एंड वेन्यू की मैं बात करूँ तो 24 मई को है 10 AM से लेकर 3 PM तक। कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो आपकी गौरिका जी रहेंगी। अब इसमें आपको करना क्या होगा, इट विल बी अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वर्क, जिसमें जो है आपको ट्रैवल नहीं करना होगा। अब इसमें जो है एड्रेस तो गिवन है, साथ ही गूगल मैप लोकेशन भी उन्होंने दे रखा है। जॉब डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूँ तो आपको डे टू डे क्लाइंट क्वेरीज की जो है वो सॉल्व करने होंगे, साथ ही साथ आपको टैट जो होता है वो भी मैनेज करना होगा, एंड साथ ही साथ जो है आपको जो सर्विस इनका सर्विस लीगल एग्रीमेंट होगा वो भी आपको देखना होगा। क्वालिटी को आपको मेंटेन करना होगा, स्केड्यूलिंग पे काम करना होगा, अटेंडेंस आपको मेंटेन करके रखना होगा। रिक्वायर्ड जो स्किल्स हैं वो वहाँ पे मांगे गए हैं कि आप सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए, रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए, आपको क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे आपको क्लाइंट हैंडल करना होगा, और साथ ही साथ आप कस्टमर फोकस वाले इंसान हो। अब डिजायर स्किल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, और ब्रैकेट में भी हाईलाइट कर दिया गया है कि ग्रेजुएशन जो है वो मस्ट है। जिनके पास अगर आप एक्सपीरियंस है, अगर आप करंट हैंडलिंग या फिर BPO से रिलेटेड हैं तो जो है आपको BPO वॉइस प्रोसेस से रिलेटेड है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और आपको मैनेज करना आना चाहिए इनबाउंड आउटबाउंड कॉल, चैट या फिर मेल या फिर जो भी है।
कस्टमर्स एंड साथ ही साथ आपको जो है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कस्टमर क्वायरीज को। सो ये तीनों ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो नोएडा में करेंटली आई हुई है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज हायरिंग। फॉलो मी फॉर मोर। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी काइंड ऑफ जॉब अपडेट्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।